गाय और किसान की आय के नाम पर सरकार सत्ता में आई थी। गाय सड़कों पर भटक रही है और किसान बॉर्डर की सड़कों पर कृषि कानून के खिलाफ मोर्चा संभाले बैठा है। भूखी बेसहारा गाय किसानों के खेत में घुसकर फसल खा रही हैं और बॉर्डर पर किसान पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। सरकारें बदलती रहेंगी लेकिन ना ही गाय की दुर्दशा में सुधार आएगा और ना ही किसान की आय में सुधार आएगा। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। अब दिखाएंगे आपको शाहजहांपुर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। गेहूं खरीद को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को मुकम्मल करना शुरू कर दिया है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी कमलेश कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं खरीद के लिए इस बार जिले में अलग अलग एजेंसियों के 133 क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका संचालन 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। साथ ही जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी ने यह भी बताया कि इस बार सरकार द्वारा गेहूं खरीद का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। बताया कि इस बार किसानों का एक एक दाना सरकारी दाम पर खरीदा जाएगा और किसी भी किसान को क्रय केंद्र से वापस नहीं लौटने दिया जाएगा। देखिए, इस बार हम लोगों ने 136 गेहूं क्रय केंद्र अभी तक स्थापित कर दिए हैं। कल तक हम सारे केंद्रों पे बैनर, बोरा, इलेक्ट्रॉनिक कांटा 25 तारीख तक हम सारा पूरा कर देंगे। 1 अप्रैल से खरीद प्रारंभ होनी है, इसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। केंद्रों पे केंद्र प्रभारी, आवश्यक उपकरण, किसानों को बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, ये सारी तैयारियां हम कर रहे हैं। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद प्रारंभ होगी। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपया निर्धारित है शासन द्वारा और हम किसानों को आने पर तत्काल टोकन निर्गत करते हुए खरीद कराएंगे। इस साल लक्ष्य निर्धारण नहीं किया गया है। जितने भी किसान हमारे केंद्रों पर गेहूं ले जाएंगे, हम उनका सबका गेहूं क्रय करेंगे। लोधीपुर स्थित एनटीआई में डॉक्टर आशीष कुमार मैसी की याद में इंटर डिपार्टमेंट 2020 टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया, जिसमें अलग अलग ट्रेंड की टीमों ने हिस्सा लिया। 22 मार्च से 24 मार्च तक चले 2020 टूर्नामेंट में सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रीशियन टीम विजेता रही, जिसमें सैफ अली मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वर्गीय डॉक्टर आशीष मैसी के बेटे आकाश मैसी ने शिरकत की। उन्होंने विजेता टीम को शील्ड देकर सम्मानित किया। आकाश मैसी का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताएं छात्रों को आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। आकाश मैसी खुद भी एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी हैं। खुदागंज पुलिस ने लाखों की अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया तस्कर बदायूं जनपद के बिलसी थाना क्षेत्र का रहने वाला देवेंद्र है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चिरचिरा पुलिया के पास से देवेंद्र को 750 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। बरामद की गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 60 लाख रुपये बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने देवेंद्र के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जलालाबाद के गांव गोरा महुआ में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से छप्पर में आग लग गई। आग लगने से पड़ोस के ही 2 घरों में भी आग जा पहुंची। इस दौरान काफी नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि बीती शाम आई आंधी से अचानक हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से छप्पर धू धू कर जलने लगा। इस दौरान 2 मवेशी भी आग से झुलस गए, वहीं एक ट्रैक्टर भी आग की चपेट में आ गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। जिला पंचायत सदस्य सिंधौली की द्वितीय सीट से बसपा प्रत्याशी इरम बानो के समर्थन में बसपा के विधानसभा अध्यक्ष आसिफ अली मंसूरी ने इलाके के गांव कटिया बुजुर्ग, 13 बरौरा और करनैयापुर का भ्रमण कर लोगों से इरम बानो के समर्थन में वोट करने की अपील की। इस दौरान कटिया बुजुर्ग में लोगों को संबोधित करते हुए आसिफ अली मंसूरी ने कहा कि बसपा ही एकमात्र पार्टी है जो सर्व समाज की बात करती है और समतामूलक समाज के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान आसिफ अली ने लोगों से इरम बानो के समर्थन में वोट करने की अपील की। आज तिलहर की नवीन गल्ला मंडी परिसर में जिला खाद्य विभाग द्वारा क्षेत्र के समस्त कोटेदारों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक में उपस्थित कोटेदारों को सरकार द्वारा बनाई गई राशन उठान की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। इस दौरान DSO ओम हरि उपाध्याय और पूर्त निरीक्षक महेश कुमार द्वारा कोटेदारों को जानकारियां दी गई और उनकी समस्याओं को भी सुना गया। हालांकि इस बैठक में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन भी किया गया। इस दौरान ज्यादातर लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने लगे हैं। यहां रोजाना कोविड के मरीज सामने आ रहे हैं।
बोया पुलिस ने कच्ची शराब बना रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने थाना क्षेत्र के कगराह के रहने वाले राजाराम को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 70 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण मिले। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। शाहजहांपुर के नालंदा स्कूल के बच्चों ने आज गन्ना शोध संस्थान का भ्रमण किया। स्कूली बच्चों ने शोध संस्थान की आधुनिक लैब को देखा और लैब के बारे में जाना। इस दौरान शोध संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रताप सिंह ने बच्चों को लैब के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और वित्त लेखा अधिकारी को सौंपा। जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहा कि महानिदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा पूर्व में आदेश में स्पष्ट कहा गया था कि समस्त लिपिक संबंधित विकासखंड कार्यालय में बैठेंगे, जिससे शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण विकासखंड स्तर पर ही किया जा सके, परंतु लिपिक का अभी तक किसी भी ब्लॉक पर तैनाती नहीं की गई है। साथ ही कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण हो चुकी है। नवनियुक्त शिक्षक अपने आवंटित विद्यालयों में सेवाएं भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है, जिसको शीघ्र ही पूर्ण कराया जा सके। सिंधौली के मुड़िया मोड़ स्थित एमए पब्लिक स्कूल में आज फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान जूनियर छात्रों ने साथ ही सीनियर छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर भावुक विदाई दी। विद्यालय प्रबंधक मोहम्मद आसिफ अली मंसूरी ने छात्रों को विदाई देते हुए कहा कि सभी छात्र यहां से शिक्षित होकर आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में परीक्षा की अच्छी तैयारी करके देश में टॉप भी करेंगे और अपने क्षेत्र और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी यही शुभकामनाएं हैं। सायाहापुर के तिलहर तहसील के ब्लॉक जैतीपुर के ग्राम पंचायत अदरौली के दर्जनों लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामवासी सुरेंद्र का कहना है कि आरक्षण गलत हुआ है। वहीं 17 जातियां ओबीसी से एससी में भेज दी गई हैं। गाँव वालों का कहना है कि जनगणना के बाद ही चुनाव हो, जिससे सभी चीजें साफ हो पाएंगी। उनकी मांग है कि दोबारा से आरक्षण हो, नहीं तो हम लोग जन आंदोलन कर हाईकोर्ट तक जाएंगे। मिर्जापुर इलाके के दोस्तपुर थोक गांव में अज्ञात परिस्थितियों में एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से घर में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। वहीं ग्रामीणों की मदद से बामुश्किल आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक घर जलकर राख हो चुका था। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। नेहरू युवा केंद्र सायाहापुर के तत्वाधान पर आज तिलहर के राजनपुर में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर हरिबाबू और पूर्व प्रधान दामोदर गंगवार ने स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। प्रतियोगिता में 400 मीटर बालक वर्ग की दौड़ और 200 मीटर बालिका वर्ग की दौड़ कराई गई। वहीं खो खो, वॉलीबॉल और रस्सा खींच प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। पशु रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत आज मुड़िया पवार में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर ओपी वर्मा ने पशुओं में होने वाले गलाघोटू, मुंहपका और खुरपका रोग के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि सभी पशुपालक समय से टीकाकरण अवश्य करा लें, ताकि पशुओं में होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इस दौरान पशुपालकों को कृमिनाशक दवा का भी वितरण किया गया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर आज नरमू की सायाहापुर शाखा द्वारा युवा संवाद और ट्रेड यूनियन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शाखा मंत्री नरेंद्र त्यागी के नेतृत्व में युवा रेल कर्मियों ने अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में नरमू पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर स्थित शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके शहीदों को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। शाखा सचिव नरेंद्र त्यागी ने कहा कि अमर बलिदानियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।